नमस्ते फ्रेंड, मेरी यमी रसोई में आपका स्वागत है। आपके साथ शाही टुकड़ा हैदराबादी स्वीट बनाना शेयर करती हूँ बहुत आसान तरीके से। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबाएं। अब शाही टुकड़ा बनाने के लिए सबसे पहले दूध को गाढ़ा करके रबड़ी के जैसा तैयार कर लेते हैं। इसके लिए हमने फुल फैट वाली 1 किलो दूध लिया है और मोटे तले के भगोने में उसे मीडियम आंच पे गाढ़ा कर लें। इसे 20 से 25 मिनट का टाइम लगता है और ये अच्छा गाढ़ा तैयार करना है हमें। बिल्कुल रबड़ी के जैसा तैयार नहीं करना है, उससे हल्का कम तैयार करना है। पंद्रह से 20 मिनट का टाइम लगा है, अभी दूध तैयार हो गया गाढ़ा सा। अब इसमें हमने 4 टीस्पून के करीब शक्कर डाला है क्योंकि हम चाशनी में डीप नहीं करेंगे, सीधे रबड़ी में ही डीप करेंगे, इसलिए इस तरह से इसमें थोड़ा ज़्यादा शक्कर यूज किए हैं। और एक उबाल आने तक इसे चलाते हैं, शक्कर घुल जाएगा अच्छी तरह से। अब इसमें थोड़ा सा पिस्ता हमने यूज किया है और थोड़ा सा केसर, 15 से 20 धागे केसर का है उसे यूज किया है। केसर का फ्लेवर अच्छा आता है रबड़ी के साथ। आप इसमें इलायची पाउडर या कोई और भी ड्राई फ्रूट यूज करना हो तो कर सकते हैं। इसे लगातार थोड़ा चला लेते हैं ताकि केसर का कलर आ जाए। अब ब्रेड लेते हैं, ब्रेड को आप कट भी कर सकते हैं या कटोरी से गोल गोल भी काट सकते हैं। हमने इस तरह का कटर से इसे काटा है और एक शेप तैयार किया है इस तरह से कट करके, और इस तरह से बना लिया है हमने। अब सारे ब्रेड को इससे कट कर लेते हैं। आप ब्रेड को चौकोना या तिकोना भी काट सकते हैं। इस तरह से तैयार कर लिया। अब इसे फ्राई करना है। आप इसे स्लो फ्राई भी कर सकते हैं, हमने इसे फुल फ्राई किया है। तो घी लेते हैं, घी में इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। घी को हाई फ्लेम पे गर्म करते हैं, फिर इसे लो करके और फिर इसे ब्राउन, हल्का ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे, अंदर तक अच्छी तरह से क्रिस्पी हो जाए इतना फ्राई करेंगे ब्रेड को। एक बार घी गर्म हो जाए उसके बाद इसको थोड़ा मीडियम आंच पे करके या लो आंच पे करके फ्राई करेंगे। इसमें इस तरह से ब्रेड को डालते हैं और उलटते पलटते हुए इसे क्रिस्पी होने तक फ्राई करते हैं। इसे बराबर पलटते रहते हैं ताकि दोनों तरफ से अच्छी तरह से ब्राउन हो जाए, क्रिस्पी हो जाए। बहुत ईजी स्वीट है ये और बहुत टेस्टी लगता है। अभी देखिए तैयार हो गया। इस तरह से सारे ब्रेड को सेक लेना है, तल लेना है। अब ये तैयार हो गया है और ये हमारा रबड़ी है। इसके अंदर इसे डीप करते हैं और इसे निकालते हैं, 2 मिनट के लिए रखते हैं, निकालते हैं, थोड़ा सा ऊपर से डालते हैं। बस देखिए ये तैयार हो गया शाही टुकड़ा।